के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन अलग अलग प्रदेशों से रवाना हो रही है। इसी बीच राजधानी भोपाल में भी यही सिलसिला, अयोध्या की यात्रा यहां से सैलानी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। श्रद्धालु अगर रामलीला के दर्शन करना चाहते हो तो उनके लिए एक बड़ी सौगात। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की, जिसमें आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। यहाँ से श्रद्धालुओं के साथ पूरा जत्था यहाँ से रवाना होता हुआ, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं पूरे उत्साह के साथ इस अवसर को सेलिब्रेट करते हुए। अयोध्या की यात्रा श्रद्धालु बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, उत्साह को बयां भी करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, दरअसल हरी झंडी दिखाकर इस वक्त रवाना कर रहे हैं संघ और विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। ग्रीन सिग्नल दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया जा रहा है और आपको ये भी बता दें 2500 संघ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस ट्रेन में सवार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। और कुल ये जो ट्रेन है इसमें आज ये निकले हैं, कल पहुंचेंगे और इसके बाद 18 तारीख को वहां से वापसी भी होगी। और थोड़ा सा ये भी समझिएगा कि ये पहला जत्था है, इसके बाद आगे इसके सियासी मायने भी थोड़ा समझ लीजिएगा। अभी तो संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अयोध्या दर्शन के लिए या भगवान रामलला के दर्शन के लिए निकले हैं। अब इसके बाद विश्व हिंदू परिषद संघ और बीजेपी की जो रीति है, नीति है, या हम कहें कि रणनीति है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ करोड़ कार्यकर्ताओं के लिए, कुछ करोड़ जो लोग हैं उनके लिए भी अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। और आज की ये शुरुआत है, भोपाल से ये पहली ट्रेन है जो अयोध्या के लिए निकली है। ये पूरी ट्रेन संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित की गई है और मध्य भारत प्रांत के ये सभी कार्यकर्ता बड़े पदाधिकारी इस ट्रेन में रवाना होकर अयोध्या धाम जा रहे हैं, दर्शन करेंगे। इसके अलावा एक जो ट्रेन है, आज ये भोपाल से ट्रेन निकली है, विशेष ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, इसके बाद एक ट्रेन ग्वालियर से भी निकलेगी संघ और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लेकर, तो दूसरी ट्रेन होगी। लेकिन इसके बाद ये क्रम बदस्तूर जारी रहेगा, रहने वाला है। आप ये मानिए कि ये इसी तरह की कई और ट्रेनें भी ना केवल अब संघ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बल्कि आम जनता भी, जिन्हें रामलला के दर्शन कराए जाएंगे, लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ये हमने लोगों से अंदर जाकर बात भी की, लोग अभिभूत हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, या हम कहें कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वो रामलला के दर्शन आज कर पा रहे हैं। इस रूप में जब रामलला अपने मंदिर में विराज चुके हैं, ये उनके लिए वाकई पोषण है, वो अनुभूति है। जो खास तस्वीरें हैं प्रशांत, मुझे लगता है उत्साह बताने के लिए काफी के लोग कितने खुश हैं इस चीज से। बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। खबरें इसी तरह से लगातार जा रही, छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन आते हैं।